अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज है हमारा फिजिक्स का लेक्चर नंबर 5A। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 13 की जो थी एक्सरसाइज कंसेप्चुअल क्वेश्चंस तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमने स्टार्ट करने हैं अपने न्यूमेरिकल्स, तो आए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 89 निकालें। फर्स्ट है आपके पास 13.1 वाला, द चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वुड बी इक्वल टू 100 μ/μ. अज्यूम चार्ज ऑन वन नेगेटिव पार्टिकल इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब आपके पास क्या है कि उसने चार्ज कितना दिया हुआ है, आपके पास 100 μ/κ दिया हुआ है। आपने माइक्रो को उसकी पावर में चेंज कर दिया, माइक्रो इक्वल्स टू 10⁻¹⁶ के इक्वल होता है। यहाँ पे 100 × 10⁻¹⁶ कूलब आ जाएगा। अगर हम इसको कन्वर्ट, और दूसरा उसने इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज दिया हुआ है, ये जो चार्ज है ना 1.6 × 10⁻¹⁹, ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, वो है E। वो उसने वैल्यू कितनी दी है आपको, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलब। N आपने फाइंड आउट करना है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास Q किसके इक्वल होता है, N इंटू E के इक्वल होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमने N निकालना है, नंबर ऑफ चार्जेस निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर Q E को Q से डिवाइड कर देंगे, Q by E आ जाएगा। यहाँ पर Q की वैल्यू लगाएंगे, वो क्या है 100 × 10⁻¹⁶, और उसके बाद E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻¹⁹। यहाँ पर आप कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, ये माइनस 19 ऊपर जाकर प्लस 19 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर कि 100 को हम 10⁻²⁺ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये है 2 प्लस 19 कितना हो जाएगा 21, तो ये मैंने पावर 21 लिख दी। 10⁻²⁶ वैसे ही नीचे हमारे पास 1.6 रह जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास -6 प्लस 21, आंसर प्लस 15 आएगा। 10⁻²⁰ 1 ÷ 1.6 × 10⁻¹⁵। अब क्या है, आपने इसका पॉइंट हटाया, 10⁻²⁰ -1 आएगा, ऊपर जाकर +1 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1 ÷ 16 = 10⁻¹⁶। ठीक है, आप 1 को 16 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 0.0625 × 10⁻¹⁶। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, इसका पॉइंट शिफ्ट कराते हैं, 1 to 1 डिजिट के बाद लेना है, नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो आपका पॉइंट यहाँ आ जाएगा। और हमें पता है कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो पावर क्या होती है, हमारे पास माइनस होती है, 16 में से 2 माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा आपके पास। एन की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 6.25 × 10⁻¹⁴। ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है आप 13.2 पर आ जाएं। उसकी स्टेटमेंट वो आपको क्या देता है, 2 point charges Q1 = 10 μ/κ and Q2 = 5 μ/κ are placed at a distance of 150 cm. What will be the coulomb force between them? आपने इसके दरमियान में coulomb force बतानी है, find the direction of the force, और साथ में आपने force की direction बतानी है। ठीक है, तो हम start करते हैं। फर्स्ट है आपके पास Q1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, उसने 10 μ/κ, माइक्रो को आपने 10⁻¹⁶ में चेंज कर दिया। उसको फर्दर किस में करेंगे, ये पावर 10 है इसकी, सॉरी ये 10 है इसकी पावर 1 है, तो -6 प्लस 1 1 × 10⁻¹⁵ कूलम आ जाएगा। यहाँ पर Q2 5 कूलम है माइक्रो कूलम, तो माइक्रो की जगह 10⁻¹⁶ साथ में कूलम। R उसने कहा हुआ है कि इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, 150 सेंटीमीटर, तो ये हम क्या करेंगे, 150 को 100 से डिवाइड कर देंगे, 1.5 मीटर आ जाएगा। के की वैल्यू हमें पता है कि 9 × 10⁻¹⁹ N·m² / c². अब हमने फाइंड आउट करना है, और डायरेक्शन ऑफ द कूलम फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला लगाएंगे कूलम फोर्स के लिए, F = k Q1 Q2/r². के की वैल्यू 9 × 10⁻¹⁹, उसके बाद Q1 की वैल्यू 1 × 10⁻¹⁵, Q2 की वैल्यू 5 × 10⁻¹⁶ डिवाइडेड बाय 1.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपने क्या करना है, 1.5 का स्क्वायर लेंगे, आपके पास आंसर आएगा 2.25। ऊपर हमारे पास 9 × 10⁻¹⁹, 10⁻¹⁵ और 10, वैसे ही सारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, और इन सब पावर्स को आप लिख देंगे,
माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस इलेवन, माइनस इलेवन प्लस नाइन आंसर क्या आएगा आपके पास माइनस टू, ठीक है, डिवाइड बाय 2.25, इसको डिवाइड करेंगे आप, ये जो हमारे पास यहाँ पर है 2.25 है ना, इसका पॉइंट आप खत्म करेंगे, नीचे आपके पास 10^2 आएगा जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है 45 डिवाइड बाय 225, इनको डिवाइड करेंगे आंसर आपके पास क्या निकलेगा 0.2, ठीक है, फोर्स आपके पास कितनी निकलेगी 0.2 न्यूटन। और इसकी डायरेक्शन क्या है, द डायरेक्शन ऑफ रिपल्शन, ये आपने इसकी डायरेक्शन देनी है। नेक्स्ट हमारे पास 13.3 वाला, द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस इज 0.8 न्यूटन, व्हेन द चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज, आपने क्यू की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है ये 13.3 वाले न्यूमेरिकल में। यहाँ पर हमारे पास फोर्स कितनी है 0.8 न्यूटन, आर कितना दिया हुआ था उसने 0.1 मीटर, के की वैल्यू हमें पता है, क्यू हमने फाइंड आउट करना है, वही फॉर्मूला लगेगा कूलम फोर्स वाला एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर वो क्या कहता है कि ई चार्ज मतलब कि दोनों चार्जेस जो हैं वो इक्वल हैं, आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस का मतलब है कि दोनों चार्जेस इक्वल हैं, क्यू वन इक्वल टू क्यू टू इक्वल टू क्यू, ठीक है, मतलब कि मैं क्यू वन की जगह क्यू टू भी लगा सकती हूँ और इन दोनों की जगह क्यू क्यू भी लगा सकती हूँ। मैंने इन दोनों की जगह क्यू वन की जगह भी क्यू लगा दिया, क्यू टू की जगह भी मैंने क्यू लगा दिया, तो Q जब Q से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास Q स्क्वायर आ जाएगा। न्यू एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास F इक्वल टू के क्यू टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, हमने क्या निकालना है यहाँ पर Q निकालना है, तो इसको हम सेपरेट किस तरह से करेंगे, ये F के साथ आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर जाएगा और ये K इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा उस एक्सप्रेशन के साथ। फाइनल एक्सप्रेशन जो आएगा हमारे पास वो ये होगा Q स्क्वायर इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय K। अब आप सबकी वैल्यूज लगा देंगे, F की वैल्यू 0.8, R की वैल्यू 0.1 लेकिन उसका हम स्क्वायर करेंगे, K की वैल्यू 9 × 10^9। अब आप क्या करेंगे 0.1 का स्क्वायर लेंगे 0.01, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.008 डिवाइडेड बाय 9 × 10^9। अब हमें क्या चाहिए, ये सारी वैल्यूज आ रही क्यू स्क्वायर की, हमें क्यू वैल्यू चाहिए, हम क्या करेंगे दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन का आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा Q इक्वल टू 9.4 × 10^-7 कूलम, ठीक है, कैलकुलेटर से आपने इसका जो है स्क्वायर रूट ले लेना है। नेक्स्ट देखिए आपके पास 13.4 वाला न्यूमेरिकल जो है, टू चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन व्हेन दे आर 5 cm अपार्ट फाइंड द फोर्सेस बिटवीन द सेम चार्जेस व्हेन दे आर 2 cm अपार्ट। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है कि इन फोर्सेस आपने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एफ कितना दिया हुआ उसने 0.1 न्यूटन दिया हुआ था, आर उसने कितना दिया है 5 cm जिससे हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो 5 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे 0.05 मीटर आ जाएगा। उसके बाद आपने फोर्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो फोर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर Q1 और Q2 हमारे पास क्या है, उसके लिए फिर आपको जो है यहाँ पर Q1 Q2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे जो फर्स्ट उसने फोर्स दी है उससे हम Q1 Q2 की वैल्यू निकाल लेंगे। फोर्स कितनी थी 0.1, K की वैल्यू 9 × 10^9 और Q1 Q2 हमने निकालना है, R स्क्वायर 0.05 का स्क्वायर, हम क्या करेंगे Q1 Q2 निकालना है, तो ये जो वैल्यू है 0.1 के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगी और ये इधर आकर डिवाइड कर जाएगी, ठीक है। हमारे पास Q1 Q2 की वैल्यू कितनी आएगी 0.1 × 10^0.05 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 × 10^9। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, यहाँ पर K की वैल्यू लगाएंगे 9 × 10^9, Q1 Q2 की ये सारी वाली वैल्यू 0.1 × 0.05 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 × 10^9 और आर स्केयर की जगह ये 1/ का मतलब यही है कि ये नीचे ही आ रहा है, ठीक है 1/। अब हमारे पास आर की वैल्यू कितनी है 0.02 है, उसने जो सेकंड वैल्यू आर की दी हुई है जो उसने कहा है कि 2 cm अपार्ट है, ठीक है, वैल्यूज लगा दी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 0.1 × 0.05 का होल स्केयर डिवाइडेड बाय 0.02 का होल स्केयर।
कैलकुलेटर से आप इनका स्क्वायर लेके इसको मल्टीप्लाई कर दें और फिर इसका स्क्वायर ले लें, इनको डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर 0.62 न्यूटन निकल आएगा। ठीक है, ये आपका फोर्थ वाला न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। फिफ्थ वाला न्यूमेरिकल देखें आप, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10^4 वोल्ट इफ अ चार्ज ऑफ द प्लस 100 कूलम माइक्रो कूलम इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ द वर्क डन। आपने अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले उसने V आपको कितना दिया हुआ है, 10^4 वोल्ट, Q की वैल्यू 100 माइक्रो कूलम, इसको आप जो है वो कूलम में चेंज करेंगे 10^-6 लगाकर, इसकी वैल्यू 2 है, मतलब हम 100 को 10^2 भी लिख सकते हैं, सो हमने -6 + 2 आंसर -4 आ जाएगा। W आपने फाइंड आउट करना है, V इक्वल्स टू W बाई क्यू का फॉर्मूला आपको याद है। अब आप क्या करेंगे, Q किधर ले जाएंगे, W इक्वल्स टू क्यू वी, और आप यहाँ पे वैल्यूज लगाकर आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास जो है वो फिफ्थ वाला न्यूमेरिकल का आंसर आ गया। नेक्स्ट सिक्स्थ वाला न्यूमेरिकल देखें, अ पॉइंट चार्ज ऑफ द प्लस 2 कूलम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ पॉइंट एट अ पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट टू अ पॉइंट एट अ पोटेंशियल 50 वोल्ट, व्हाट वुड बी द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज। आपने जो है वो एनर्जी फाइंड आउट करनी है। ये देखें आपके पास जो है क्यू की वैल्यू से क्या दी है, प्लस 2 कूलम वी ए, पोटेंशियल एट ए पॉइंट उसने आपको दिया हुआ है 100 वोल्ट, और दूसरे वाले पॉइंट पे उसने पोटेंशियल दिया हुआ है 50 वोल्ट का। ई आपने फाइंड आउट करना है, ई इक्वल्स टू क्यू वी ए माइनस वी बी, आपको फॉर्मूला याद है, इसमें वैल्यूज लगा दें, क्यू की वैल्यू 2 है, वी ए की वैल्यू 100 है, वी बी की वैल्यू 50 है, इन दोनों को माइनस करेंगे, 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आपके पास 100 जाउल आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। सेवन वाला न्यूमेरिकल देखें, अ कैपेसिटर होल्ड 0.06 कूलम्स ऑफ द चार्ज, मतलब उसने चार्ज कितना दिया हुआ है, 0.06 कूलम, व्हेन फुली चार्ज बाय अ 9 वोल्ट बैटरी, उसने वोल्टेज कितना दिया हुआ है 9 वोल्ट का, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। आपने इसकी कैपेसिटेंस जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, वो कितना दिया हुआ है 0.06 कूलम, और उसके बाद हमारे पास वोल्टेज कितना है 9 वोल्ट है, आपने क्या करना है, सी फाइंड आउट करना है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला याद है, क्यू इक्वल टू सी वी, यहाँ पे हमने क्या निकालना है बेटा, सी निकालना है, तो वी इधर जाके डिवाइड कर जाएगा, सी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई वी, क्यू की वैल्यू लगाएंगे, वी की वैल्यू लगाएंगे, डिवाइड करके आंसर आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, सी इक्वल टू 6.67 × 10^-3 फैराड। ठीक है, एट वाले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखें आप लोग, अ कैपेसिटर होल्ड 0.03 कूलम ऑफ द चार्ज व्हेन फुली चार्ज बाय अ 6 वोल्ट बैटरी, हाउ मच वोल्टेज वुड बी रिक्वायर्ड फॉर इट टू होल्ड द 2 कूलम ऑफ द चार्ज, कि इसको कितने वोल्टेजेस चाहिए जब वो 2 कूलम चार्ज को होल्ड करेगा। मतलब कि उसने हमें चार्ज Q1 कितना दिया हुआ है, उसने 0.03 दिया हुआ है, V1 कितना है 6 वोल्ट है, C आपने फाइंड आउट करना है, इसलिए फाइंड आउट करना है क्योंकि हमने V2 फाइंड आउट करना है, इसके लिए हमें C जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इक्वल टू सी वी, लेकिन हमें क्या चाहिए, Q1 और C1 हम वैल्यूज यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हम Q1 और C1 लगाएंगे, Q1 की वैल्यू 0.03, V1 की वैल्यू 6, आप क्या करेंगे 0.03 को 6 से डिवाइड कर देंगे आप, तो हमारे पास नेक्स्ट हमने क्या निकाला है, Q2 की वैल्यू उसने कितनी दी है, 2 कूलम है, इसको डिवाइड नहीं किया, ऐसे ही रख लिया है, अगर आप डिवाइड करना भी चाहें फिर भी आपका आंसर ठीक आएगा। उसके बाद V2 हमने फाइंड आउट करना था, फिर से वही वाला फॉर्मूला, Q इक्वल टू CV, लेकिन यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, वैल्यूज Q2 और V2 की यूज़ करेंगे, C की वैल्यू वही रहेगी। अब यहाँ पर Q2 की वैल्यू हमें पता है 2 है, C की वैल्यू ये हमने ऊपर निकाली थी 0.03/6, और V2 हमने फाइंड आउट करना है, आप 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 0.03 को डिवाइड कर देंगे, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा 12/0.03, इनको डिवाइड करेंगे आपके पास V2 की वैल्यू 400 वोल्ट आ जाएंगे। ठीक है, यही आपने फाइंड आउट करना था V2। नेक्स्ट अपने न्यूमेरिकल 13.9 की स्टेटमेंट देखें, 2 कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफेरेड एंड 12 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड इन द सीरीज विद 12 वोल्ट बैटरी, मतलब कि 2 कैपेसिटर्स हैं आपके पास जिनकी कैपेसिटेंस उसने कितनी दी हुई है, एक की है 6 माइक्रो फेरेड, दूसरे की हमारे पास 12 माइक्रो फेरेड, वोल्टेज उसने कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट दिया हुआ है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, फाइंड द चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। आपने क्या फाइंड आउट करना है इसके अंदर,
की इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है, साथ में आपने क्या फाइंड आउट करना है, द चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पर देखें कैपेसिटेंस C1 उसने कितनी दी है, 6 माइक्रोफेरेड, उसको हम कन्वर्ट करेंगे 10^-6 फेरेड आ जाएगा, क्योंकि माइक्रो इक्वल्स टू 10^-6 है। 12 माइक्रोफेरेड का मतलब है 12 को 10^-6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, F आ जाएगा हमारे पास 12 × 10^-6 फेरेड। यहाँ पे V की वैल्यू 12 वोल्ट्स थी। आपने फाइंड आउट क्या करना था, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी थी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CEQ से, वो फाइंड आउट करना है। आपने चार्ज फाइंड आउट करना है और V1 V2 फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटेंस अलग अलग कैपेसिटी यूज हो रहे हैं, तो हमारे पास वोल्टेजेस भी अलग अलग ही आएंगे। ठीक है, हमें पता है कि यहाँ पर जो है, अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है कि इसमें हमारे पास जो है वो वोल्टेज जो है वो कॉन्स्टेंट आता है, जिसमें चार्ज कॉन्स्टेंट आता है, तो यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन में हमारे पास वोल्टेजेस अलग अलग होते हैं, दैट्स वाई हम अलग अलग वोल्टेजेस फाइंड आउट करेंगे। CEQ = C1 + C2 यही होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की कैपेसिटेंस की, जब जितनी भी हमारे पास कैपेसिटेंस है उन सबका सब फाइंड आउट कर लेंगे रेसिप्रोकल में। 1/6 μF + 1/12 μF आंसर क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम लेके 2 + 1 = 3/12 माइक्रोफेरेड। अब आप क्या करेंगे, आपको CEQ चाहिए, तो आप इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 12/3 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड। ये आपके पास जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई। नेक्स्ट आपने क्या फाइंड आउट करना है, चार्ज फाइंड आउट करना है, दैट्स वाई वी यूज द फॉर्मूला Q = CV। Q = C की वैल्यू हमारे पास 4 है, V की वैल्यू 12 है, लेकिन हमने यहाँ पे माइक्रोफेरेड की जगह 10^-6 लगा दिया, तो ये फेरेड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, C के साथ हमने 10^-6 इसके माइक्रो होने की वजह से लगाया है। आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा 48 माइक्रो कूलम। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या फाइंड आउट करना है, V1 और V2 फाइंड आउट करना है। फिर से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगेगा, हमारे पास क्या था, Q = CV। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा देना है आपने। यहाँ से आप क्या करेंगे कि V की वैल्यू निकालनी है V1 की, तो हम क्या करेंगे इसको यहाँ पर जाके C1 को डिवाइड कर देंगे, V1 = Q/C1। Q की वैल्यू 48 माइक्रो कूलम और C1 की वैल्यू 6 माइक्रो फेरेड, डिवाइड करेंगे इसको 8 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, आंसर आपके पास 8 वोल्ट आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास आपने V2 फाइंड आउट करना हुआ, तो वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन उसमें हम क्या करेंगे, C2 और V2 लगा देंगे। Q = C2 V2। V2 हमने फाइंड आउट करना है, दैट्स वाई C2 उधर जाके डिवाइड कर जाएगा, एक्सप्रेशन क्या बनेगा, V2 = Q/C2। Q की वैल्यू 48, C की वैल्यू हमारे पास C2 की वैल्यू जो थी वो 12 थी, डिवाइड करेंगे 4 वोल्ट्स आ जाएगा। यही आपने फाइंड आउट करना था। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास लास्ट रन व्हीकल है आपका, कि 2 कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफेरेड एंड 12 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड इन द पैरेलल विद 12 वोल्ट बैटरी, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, फाइंड द चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच अदर। अब आपने यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, पहले सीरीज में दे रहा था कॉम्बिनेशन, अब किस कौन सा कॉम्बिनेशन दे रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन दे रहा है, कैपेसिटेंस सेम है इसके अंदर, लेकिन उसके अंदर आपने क्या फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। लेकिन हमें पता है कि हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्जेस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, दैट्स व्हाई हमने Q1 और Q2 अलग-अलग फाइंड आउट करना है, और उसके बाद वोल्टेज में सेम रहता है, तो हम एक ही वोल्टेज जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला न्यूमेरिकल। डाटा हमारे पास क्या है कि C1 उसने कितना दिया हुआ है, 6 माइक्रोफेरेड, C2 12 माइक्रोफेरेड, वोल्टेज 12 वोल्ट। आपने क्या फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस Q1 Q2 और V आपने फाइंड आउट करना है। पैरेलल के लिए हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, CEQ = C1 + C2, दोनों को प्लस कर देंगे, आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल आई। उसके बाद चार्जेस हमारे पास क्या है, उनका कैपेसिटेंस C1 पे हमारे पास कौन सा वाला चार्ज आएगा वो हमने फाइंड आउट करना है, Q1 = C1V। यहाँ पे वैल्यूज लगा दें, C1 की वैल्यू 6 और V की वैल्यू 12, 72 माइक्रो कूलम आपके पास ये चार्ज Q1 निकल आएगा। ठीक है, अब Q2 फाइंड आउट करते हैं। अब कैपेसिटर C2 पे हमारे पास कौन सा वाला चार्ज है, वही वाला फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पर वैल्यू 2 लगा देंगे, यहाँ पे C2 की वैल्यू यूज करेंगे, Q2 = C2V। C2 की वैल्यू हमारे पास 12 और V की वैल्यू 12 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 144 माइक्रो कूलम आ जाएगी। ठीक है,
उसने वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए आपको कहा था, लेकिन पैरेलल में आपने रीजन देना है कि उसका वोल्टेज जो सेम रहता है, तो आप रीजन क्या देंगे, सिंस द कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन द पैरेलल देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी 12 वोल्ट, ठीक है, क्योंकि उसका वोल्टेज है वो सेम रहता है। ये आपने बताना है। ये आपके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 14, ठीक है, खोलें अपना चैप्टर नंबर 14। पेज नंबर 19 पे आपका चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट हो रहा है, वो आपके पास क्या है, उसका नेम क्या है चैप्टर का, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने इस चैप्टर के नेम से आपको पता चलता है कि चैप्टर किस पर बेस करेगा, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, ठीक है। जो हमने पीछे चार्जेस वगैरह पढ़ कर आए हैं चैप्टर नंबर 5 में, अब क्या है कि फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, किसी भी एरिया में से जब चार्जेस फ्लो करेंगे तो हमारे पास हम क्या कहेंगे कि वो करंट है, ठीक है, कि वो जितना उसका रेट होगा वो हम कहेंगे कि वो उसमें से करंट फ्लो कर रहा है। उसकी प्रॉपर डेफिनेशन या क्वेश्चन आपको शॉर्ट में आता है इलेक्ट्रिक करंट का, तो आपने सिर्फ शॉर्ट के मुताबिक ही करना है। हमारे पास क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, और इसको हम किससे शो करते हैं, आई से शो करते हैं, ठीक है। अब हम आपने ये साथ में लिखना है, इफ़ द चार्ज क्यू इज पासिंग थ्रू एनी एरिया इन टाइम टी, कि अगर कोई भी रेट हम टाइम से निकालते हैं ना, तो हमारे पास कोई भी चार्ज है वो टाइम टी में जो है वो पास कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास क्या है, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी है, और हमारे पास करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर होता है, ठीक है। ये आपके पास अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, आपने सिर्फ इतना ही लिखना है, इसकी डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला, और उसके बाद इसका यूनिट। नेक्स्ट पेज पर आए, नेक्स्ट पेज पे आपको डेफिनेशन दी हुई है उसने एम्पेयर की, ये भी आपने डेफिनेशन याद करनी है, ये आपको अलग आएगी, ठीक है। उसकी डेफिनेशन क्या है, इफ अ चार्ज ऑफ द वन कोलम, अगर वन कोलम चार्ज है वन सेकेंड में गुजरेगा, तो हमारे पास क्या है कि हम कहेंगे कि वो किसके इक्वल है, करंट वन एम्पेयर के इक्वल है। इफ अ चार्ज ऑफ द वन कोलम पासिस थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इन वन सेकेंड, देन करंट इज वन एम्पेयर। स्मॉलर यूनिट्स क्या हैं, इसके करंट के मिली एम्पेयर है और माइक्रो एम्पेयर है, ठीक है। और वन मिली एम्पेयर इक्वल टू 10^-3 एम्पेयर, वन माइक्रो एम्पेयर इक्वल टू 10^-6 एम्पेयर, ठीक है, बस इतना ही है। ये इसकी डेफिनेशन अलग आएगी आपको एम्पेयर की, और उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन आपको अलग आएगी। ये आपने शॉर्ट ही है आपके, तो ये आपने यही करना है। अब जो है नेक्स्ट पैराग्राफ में उसको आपको देता है कि बैटरी जो है आपके पास वो एक करंट का सोर्स है, तो वो किस तरह से करंट का सोर्स है वो हम पढ़ते हैं। नीचे उसने एक डायग्राम दी हुई है आपको, ये वाली, ठीक है, आपके पेज नंबर 92 पर उसने एक डायग्राम दी हुई है। क्या कहते हैं इस डायग्राम में, ये आपके पास उसने बैटरी दी हुई है, इस बैटरी में क्या है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या हुआ कि उसमें से चार्जेस प्रोड्यूस हुए, उसने क्या किया, पॉजिटिव जो है चार्जेस को अलहदा कर लिया, नेगेटिव चार्जेस को अलहदा कर लिया, उनकी सेपरेशन की वजह से उनके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो गया। अब क्या है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है, तो पोटेंशियल को बैलेंस करने के लिए वो क्या करते हैं, चार्जेस फ्लो करेंगे। किस तरह से फ्लो करेंगे, यहाँ से जो है नेगेटिव टर्मिनल से जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करना शुरू हो जाएंगे। जब ये यहाँ तक पहुँचेंगे, तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा कि वो जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी हमारे पास, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, मतलब लाइट वाली एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, हमें जो है लाइट दे देगा, सॉरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, जो हमारे पास लाइट है। अब ये हमारे पास सारा उसकी डायग्राम है, इस पूरे पैराग्राफ में उसने यही एक्सप्लेन किया हुआ है। एक दफ़ा मैं आपको रीड कर देती हूँ, ठीक है, कि किस तरह से उसने एक्सप्लेन किया हुआ है इसको। बैटरी इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ द करंट, बैटरी क्या है, करंट की एक सोर्स है। द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इनसाइड अ बैटरी सेपरेट द पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो केमिकल रिएक्शन क्या कहते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस को अलहदा कर देंगे। दिस सेपरेशन ऑफ द चार्ज इज सेट अप द पोटेंशियल डिफरेंस, और इन सेपरेशन की वजह से क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पैदा हो जाए। बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, बैटरी के टर्मिनल्स के दरमियान में, बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक उसका नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो उनके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट कर देता है। व्हेन वी कनेक्ट द कंडक्टिंग वायर अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जब कोई कंडक्टिंग वायर लगाते हैं, द चार्जेस कैन मूव फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अदर ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस, तो चार्जेस क्या करते हैं, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। If the charges, the chemical energy of the battery changes to electrical potential energy, कि chemical energy किस में change हो जाती है, electrical potential energy में।
द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज एज द चार्जेस मूव अराउंड द सर्किट, जिस तरह से सर्किट मूव करते जाएंगे तो एनर्जी कम होती जाएगी. द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू द अदर यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी. अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को आप जो है वो किसमें चेंज कर देंगे, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी में. इट इज ओनली द एनर्जी विच चेंजेस फॉर्म बट द नंबर ऑफ द चार्जेस, कि ये एक ऐसी एनर्जी सिर्फ यही एक एनर्जी है जो क्या करती है, अपनी फॉर्म को चेंज करती है, लेकिन इसमें क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस सेम रहते हैं और चार्जेस के ऊपर जो चार्ज है वो भी सेम रहेगा. मतलब चार्जेस के ऊपर कौन सा चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये दोनों हमारे पास चार्जेस सेम रहेंगे. ये पूरा का पूरा जो है वो है कि किस तरह से बैटरी जो है वो सोर्स है करंट का. नेक्स्ट पेज पर आए, नेक्स्ट पेज पर आपके पास है कन्वेंशनल करंट. कन्वेंशनल करंट क्या होता है कि मैंने आपको बताया है कि हमारे पास दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक हमारे पास होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज. जो हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कह देते हैं, लेकिन हमारे पास जो यहाँ पे कन्वेंशनल करंट है वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की वजह से होता है. है तो वो भी चार्ज ही, लेकिन वो जो है पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट. इसकी हिस्ट्री ये है कि हमेशा हमारे पास क्या है कि चीज़ें हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती थी, तो ये ख्याल किया जाता था कि यहाँ पर भी यही सीन है कि वहाँ पर जो है वो हायर पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल को माना जाता है, तो इलेक्ट्रॉन वो जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे. तो फिर हमारे पास क्या, उस हमने जो हमारे पास करंट प्रोड्यूस हुआ था उसको हमने कह दिया कन्वेंशनल करंट. कि आज तक ये कॉन्सेप्ट चलता है, आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन करनी है, ठीक है, और साथ में ये डायग्राम बना दीजिएगा कि किस तरह से करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है. यहाँ पर जो एरोज लगे हैं ये बताते हैं कि कहाँ से जो है वो कौन सारे चार्जेस फ्लो कर रहे हैं. आपने इसकी डेफिनेशन के साथ सिर्फ इसकी ये आपने बता देनी है फिगर, कि आपको शॉर्ट नहीं आएगा. करंट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी ड्यू टू द फ्लो पॉजिटिव चार्जेस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट. यहाँ पर देखें ये हमारे पास टर्मिनल कौन सा है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल है. चार्जेस कहाँ से हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से मूव कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है. तो ये जो करंट प्रोड्यूस होगा वो हमारे पास कौन सा होगा, कन्वेंशनल करंट हो जाएगा, ठीक है. सिर्फ ये आपने यही करना है. अब नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास कि आप करंट को मेजर किस तरह से करेंगे, ठीक है. आप करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास जो है टू इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, एक है हमारे पास गैल्वेनोमीटर, एक है हमारे पास एमीटर. अब हमारे पास गैल्वेनोमीटर क्या है कि वो बहुत कम जो है वो रीडिंग शो करता है, सेंसिटिव है इंस्ट्रूमेंट, लेकिन हम जो है वो गैल्वेनोमीटर को ही आगे फर्दर उसमें जो है चेंजिंग करके उसको एमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, जो हमें डिफ्लेक्शन देता है 1 से 10 एम्पीयर के दरमियान में, ठीक है. तो इससे हम जो है वो उसको कनेक्ट करके वायर्स वगैरह से, तो हम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि सर्किट में कितना जो है वो करंट गुजर रहा है, ठीक है. अब स्टार्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर क्या होता है और एमीटर क्या होता है. ये जो आपको इस पेज पर नज़र आ रही है फिगर, ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर की है और ये बहुत कम रीडिंग शो करता है, मिली एम्पीयर्स तक ही रीडिंग हमें शो करता है, ठीक है. तो ये बहुत ही सेंसिटिव है, जब हमारे पास बहुत कम रीडिंग शो करता है इसका मतलब ये कि सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, इससे हम ज़्यादा मेजर नहीं कर सकते करंट की वैल्यू. अब ये हमारे पास होता क्या है कि ये जो इसका रेड टर्मिनल है ये शो करता है पॉजिटिव पोलैरिटी को, इसका जो ब्लैक टर्मिनल है शो करता है नेगेटिव पोलैरिटी को, ठीक है. तो अगर हमने इसको किसी सर्किट में हमने जो है कनेक्ट करना हो, तो हम क्या करते हैं कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को रेड वाले से कनेक्ट करते हैं और जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को हम ब्लैक वाले से कनेक्ट करते हैं. तो उसमें जितना भी करंट गुजर रहा होता है वो हमें डिफ्लेक्शन मिल जाता है, लेकिन हम ये बहुत कम जो करंट है तब हम इसको यूज़ करते हैं. यूजुअली हम जो है वो एमीटर यूज़ करते हैं करंट की डिफ्लेक्शन को जो है वो फाइंड आउट करने के लिए. हमारे पास क्या होता है कि हम इसी गैल्वेनोमीटर में मॉडिफिकेशन करके हमने ये एमीटर बनाया है. इसमें भी वही है कि रेड जो है वो पॉजिटिव पोलैरिटी को शो करता है और ब्लैक हमारे पास नेगेटिव पोलैरिटी को शो करता है. हम क्या करते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को रेड से कनेक्ट कर देते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को ब्लैक से कनेक्ट कर देते हैं, तो हमें जो है वो रीडिंग मिल जाती है, ठीक है. अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं, ये आपको गैल्वेनोमीटर और एमीटर जो है वो आपको शॉर्ट में आएगा. अलग डेफिनेशन भी आ सकती है, या इस तरह से आ सकता है कि आप जो है वो करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स लिखें तो आपने दोनों बताना होगा, और अगर आप फिगर बना देंगे तो और अच्छा हो जाएगा.
गैल्वेनोमीटर हमारे पास क्या है? अ गैल्वेनोमीटर इज अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट एंड कैन डिटेक्ट अ स्मॉल करंट इन अ सर्किट. जैसे मैंने आपको बताया था, अ करंट ऑफ अ फ्यू मिली एम्पीयर्स इज सफिशिएंट टू कॉज फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन इट, कि थोड़े से मिलीमीटर में इसका स्केल फुल हो जाता है. व्हाइल मेकिंग द कनेक्शन पोलैरिटी, जब हम कनेक्शन किस तरह से बनाएंगे, पोलैरिटी ऑफ द टर्मिनल्स ऑफ द गैल्वेनोमीटर शुड बी टेकन इनटू द कंसीडरेशन. जनरली द टर्मिनल ऑफ द गैल्वेनोमीटर विद रेड color shows the positive polarity, while that the black color shows the negative polarity. An ideal galvanometer should have very small resistance to pass the maximum current in the circuit. के आइडियल गैल्वेनोमीटर में बहुत कम रेजिस्टेंस होती है. रेजिस्टेंस हम आगे जाके पढ़ते हैं क्या होता है. ऑपोजिट फोर्स होती है कि जो करंट को फ्लो करने से रोकती है. अब हमारे पास क्या है? आफ्टर द सुटेबल मॉडिफिकेशन गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू द एमिटर. अ लार्ज करंट ऑफ द रेंज सच एज 1 एम्पीयर, 2 or 10 एम्पीयर कैन बी मेजर्ड बाय मींस ऑफ द एमिटर लाइक गैल्वेनोमीटर. एमिटर इज आल्सो कनेक्टेड इन द सीरीज. ये हम इनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे ये फाइंड आउट करने के लिए. ये एमिटर और गैल्वेनोमीटर को हमने जो है वो सीरीज में कनेक्ट करना है, पैरेलल कनेक्ट नहीं करना. सो द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट आल्सो पास थ्रू द एमिटर, वो एमिटर से भी गुजरेगा. ये सारा हो गया आपका, ठीक है. टॉपिक कंप्लीट हो गया. आपको पता चल गया है कि इसमें आपने सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन करनी थी, उसके बाद आपने एम्पियर की डेफिनेशन करनी थी, नेक्स्ट आपने कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन करनी है, और उसके बाद गैल्वेनोमीटर की, एमिटर की, और बैटरी किस तरह से सोर्स है वो वाला. अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, ठीक है. वो हमने इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो आपको पेज नंबर 95 पर मिलेगी. पीछे जब मैंने आपको पढ़ाया था कि बैटरी जो है वो सोर्स है करंट का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो क्या करता है कि वो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है. तो इसमें यही है कि दोनों एंड्स के दरमियान में बैटरी के हमारे पास दो एंड्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एंड. अब उन दोनों हमारे पास जो एंड्स हैं उनके दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या करेगा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है. बस इसका यही एक पर्पज़ है. और पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या है इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं. उसने इसको यही एक्सप्लेन किया हुआ है. व्हेन वन एंड ए ऑफ अ कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. आपने ए एंड को किससे कनेक्ट कर दिया? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से. और बी एंड को कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से. देन द पोटेंशियल एट ए बिकम्स हायर देन द पोटेंशियल एट बी. कि ए पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, बी पे पोटेंशियल कम होगा. उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आएंगे. अब ए पर पोटेंशियल हाई हो गया और बी पर पोटेंशियल कम हो गया, ठीक है. तो यही हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि एक पे जो है वो हाई चीज़ है, दूसरे पे हमारे पास कम है. दिस कॉज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर. द फ्लो ऑफ करंट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज देर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस. कि करंट फ्लो करता रहेगा हत्ता के जब तक पोटेंशियल डिफरेंस खत्म नहीं हो जाता. द एजेंसी विच प्रोवाइड द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द स्टेडी फ्लो ऑफ द करंट इन द कॉपर वायर इज बैटरी. As the current flows from the high potential to the lower potential, the conductor, the electric energy is converted into other forms of energy. अब जो है हमारे पास किस क्या होता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाती है. When the current flows through the conductor, it experiences a resistance. जब भी करंट फ्लो करता है वो एक रेजिस्टेंस जो है वो एक्सपीरियंस करता है. मतलब कि अगर ये एक्शन हो रहा है तो रिएक्शन भी होगा, उसको अपोज करने के लिए भी कोई फोर्स होगी जिसको हम रेजिस्टेंस का नाम दे देते हैं. और ये किस वजह से होता है? इस वजह से होता है कोलिजन ऑफ एटम्स की वजह से. द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इज यूटिलाइज इन द ओवरकमिंग दिस रेजिस्टेंस एंड इज डिसिपेटेड एज अ हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. द डिसिपेशन ऑफ द एनर्जी इज अकाउंटेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द लाइट बल्ब. दस आप रिजल्ट दे रहा है वो आपको. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर कॉजेज द डिसिपेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन टू द अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एज चार्जेस फ्लो थ्रू द करंट सर्किट. जिस तरह से चार्जेस फ्लो करेंगे वो आपने बताना है. अब उसके बाद आपके पास जो है वो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस का, वोल्ट है. उसके बाद आपने क्या करना है? आ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस द बल्ब मीन्स दैट 1 कूलम ऑफ द चार्ज और 1 एम्पीयर ऑफ द करंट पासिस थ्रू द बल्ब कंज्यूम्स 1 जाउल एनर्जी. के उसने कितनी एनर्जी को यूज़ किया है? 1 जाउल एनर्जी यूज़ किया है 1 एम्पीयर करंट को गुजारने के लिए. व्हेन द बल्ब इज लिट द एनर्जी इज टेकन फ्रॉम द करंट एंड ट्रांसफर इन टू द हीट एंड लाइट एनर्जी. वो किस में कन्वर्ट कर दी जाती है? हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दी जाती है. ये आपके पास जो है वो इसके 2 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए.
नेक्स्ट हम जो है वो 14.3 वाला जो है टॉपिक वो हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपने क्या करना है, होमवर्क आपका क्या है कि आपने इस ये साइलेंट व्हीकल्स जो हैं वो इनको नीड को बेस पे उतारना है, और ये जो मैंने टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं इनको अच्छे तरीके से आपने याद करना है, ठीक है। और जो शॉर्ट है उनको शॉर्ट के मुताबिक ही याद करें, लॉन्ग याद करने की ज़रूरत नहीं है, और जो लॉन्ग है उनको लॉन्ग के मुताबिक ही याद करिएगा, ठीक है। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।